ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରହାର, ମାଆମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ 100 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବାର ଦମ୍ଭ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ମହିଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ରାଜ୍ୟ 1 ନମ୍ବର କହି ନବୀନଙ୍କୁ ନିଶାନା କଲେ ନଡ୍ଡା। ମହିଳାଙ୍କ କା ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ହୋ ଗିଆ, ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଫିକିଂ ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ହୋ ଗଈ ହେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ ନ କରି 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଓଡ଼ିଶା କି 60 ଲକ୍ଷ କି ଜନସଂଖ୍ୟା जिसको मोदी जी 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उसको आर्थिक मदद करना चाहते हैं, उसके बीच में नवीन बाबू आड़े आ जाते हैं और वह आप तक नहीं पहुंचता। राज्य रे सरकार किए चला जो बोले प्रश्न करी कले घाइला, ये कैसी सोई हुई सरकार, ये सरकार चला कौन रहा है पता नहीं चलता। रक्षक ऊपर एठी भक्य को भारी पड़वा को नहीं कले कटाक्ष कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स का अटैक भी उड़ीसा की पुलिस पर हो रहा है, यानी रक्षक आप अपने आप को भी बचाने में अक्षम है। कंधमाल तुमुड़ी बंध रे 24 जुतर बिगुल बजाइले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। महिला उत्पीड़न रु नहीं आदिवासी और दलितों ऊपर निर्यातन तथ्य रखी सीधा नवीन को कले निशाना। महिला को सुरक्षा दे पार्थ्वा सरकार गादी में रहिबार अधिकार अछि कि बोली प्रश्न कले नड्डा। उड़िया विश्वविद्यालय करिबाकु मुख्यमंत्री देथिबा प्रतिश्रुति कुआडे गला बोली करिथिले प्रश्न। सेहिपरी 60 लाख लोकंकु आयुष्मान योजना वंचित करथिबा सरकार को क्षमता रहिबार अधिकार अछि कि बोली प्रश्न कले जेपी नड्डा। रत्न भंडारर असल चाबी कुआडे गला बोली प्रश्न करथिले नड्डा। राज्य सरकार किए चलाउछि बोली प्रश्न करी पूरा शासन व्यवस्था को करथिले कटाक्ष। आपको जानकर दुख होगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आज उड़ीसा महिलाओं के क्राइम में दुगुना हो गया है, महिला उत्पीड़न दुगुनी हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत मनुष्य का, महिलाओं का ट्रैफिकिंग, उड़ीसा सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है। महिलाओं का स्मगलिंग सबसे ज्यादा हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा हो गई है और हमारे आदिवासी भाई और दलित भाई पर सबसे ज्यादा कम्युनिटी में उत्पीड़न हो रहा है तो वो उड़ीसा में हो रहा है। मैं नवीन पटनायक जी से पूछना चाहूंगा कि ये रत्ना भंडार जो लॉर्ड श्री जगन्नाथ का है उसको क्यों नहीं सुरक्षित रखने का काम उड़ीसा की सरकार कर रही है? कहां है उस भंडार की चाबी, क्यों उसका संरक्षण नहीं हो रहा है? और इसकी ओरिजिनल चाबी कहां गुम हो गई है, इसका जवाब हमारे बीजू जनता दल के नवीन बाबू को देना होगा। उड़ीसा की 60 लाख की जनसंख्या जिसको मोदी जी 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उसको आर्थिक मदद करना चाहते हैं, उसके बीच में नवीन बाबू आड़े आ जाते हैं और वह आप तक नहीं पहुंचता है। आप बताइए 60 लाख की जनसंख्या को उसके अधिकार से वंचित रखा जा सकता है? ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? मित्रों यार, लेकिन नवीन बाबू ने वायदा किया कि हम आपको एक यूनिवर्सिटी देंगे, 5 साल बीत गए वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। उसी तरीके से अगर हम कहें ये न्यायगढ़ का जो शुगर मिल है, वायदा किया था कि नहीं किया था कि खोल देंगे, कहां हुआ, क्या हुआ उस शुगर मिल का? और वहां के जो न्यायगढ़ के हमारे मुलाजिम भाई हैं वो अपनी तनख्वाह के लिए, और जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने वहां अपना गन्ना पहुंचाया, उनका भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। ये कैसी सोई हुई सरकार है, ये सरकार चला कौन रहा है पता नहीं चलता, कौन चला रहा है मालूम नहीं। जो बड़ी दुख की बात है कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स का अटैक भी उड़ीसा की पुलिस पर हो रहा है, यानी रक्षक आप अपने आप को भी बचाने में अक्षम है, रक्षा करने वाला अपने आप को भी बचाने में अक्षम है। एक तो रक्षक भक्षक तो हो ही गया, लेकिन भक्षक रक्षक के ऊपर हो गया, यह बात हमको समझनी चाहिए। ऐसी सरकारों को रहने देना है क्या? ऐसी सरकारों को रहने देना है क्या? इनकी छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है? तुमुड़ी बंध साधारण सभा संबोधन करी केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा पे मोदी सरकार अवदान कथा कहवा
राज्य सरकार किपर जाणीशु आखिर अंध पुटुड़ी बांधि तार अवतारणा कर भारत बर्षर 80 कोटी लोक कंधमाल भाया जिले पाखापाखी 90% लोक मगणार चाउल निरंतर दिजार निर्णय ये कर दिया है ये ओडार नुहे कि कंधमाल ओडार नुहे कि कंधमाल जिले गोटे गोटे स्कूल 40 कोटी टंका खर्च कर 8टी एकलव्य विद्यालय आरंभ करा किंतु एठिकार सरकार को देखा जाऊ नहीं आपण घर झील मयूरभंज आदिवासी परिवार झील स्वाधीनतार 75 वर्ष पर प्रथम थर कर कंध हौ संताल हौ आपण घर झील आज दिल्ली रे राष्ट्रपति भवन में बसी द्रौपदी मुर्मू नार मुख्यमंत्री को आज किए धृतराष्ट्र हो जानी सुनी के आखिरे अंध पटुली बांधि देव ताकू किछि कहा जाय परिबन मोर हिसाब देखु थिले तबे नड्डा गस्तर कौनसी प्रभाव रहिबो नाही बोली कहिछि बिजेडी जिए आसिले भी ओडिसा को कौनसी प्रभाव पड़िबो नाही कारण आमे सबुबेले ओडिसा रे लोकक सहित अछु तांको दुख सुख सहित अछु तांको किपरि भाबरे आमे आउटी टिके तांकर उन्नति हेबो ओडिसा केमिति विकसित हेबो ता पई माननीय मुख्यमंत्री अहोरात्र चिंता करछंती योजना करछंती कंधमाल तुमुड़ी बंद कन्याश्रम रो भव्य छात्री निवास को उद्घाटन करथिले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष परे शंकराचार्य संस्कृत कन्याश्रम जा लक्ष्मणानंद स्मृतिपीठ प्रदर्शन करने प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करते कंधमाल तुमुड़ीबंधु कैमरामैन दीपक और संजीव सह रमानंद घड़े राकेश साहू रोशन नथ प्रदीप महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज।